कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। अच्छे कॉल, एक और चम्मच पापा की, हाँ, और ये अम्मा की, और एक दादा की, हाँ, और एक चम्मच छह जादी की। बच, अब और नहीं, पेट भर गया। गुड़िया जी का ब्रेकफास्ट खत्म, अब इनकी माता जी का शुरू। एक चम्मच हलचलंदाज बलफ वाले की। आहा, मैं तुम्हारे पापा का नाम लेती हूँ जो तुम मेरे बाऊजी का ले रहे हो। एक चम्मच लाजलानी बलफ वाली की। शर्म नहीं आती मेरी अम्मा को बर्फ वाली कहते? एक्सक्यूज मी प्लीज, हमसे जरा भूल हो गई, हिंदी कमजोर है, अब भूल सुधार करने दो। पुलिंग बर्फ वाला, तो स्त्रीलिंग बर्फी वाली। एक चम्मच बर्फी वाली की। बस अब और मत देना, ब्रेकफास्ट अम्मा बाऊजी के साथ करना है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम तैयार हो ना जल्दी से। पहले तुम बाकायदा गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग विलायत में होती है। हिंदी में ट्रांसलेशन तुमसे करा लूंगा। मुझे अनुवाद करने बैठा दिया तो गुड मॉर्निंग किससे करोगे? क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूं कि बच्ची मंगला सुपर बच्ची गुड़िया की मां बनने के बाद तो और भी अच्छी लगने लगी, तुम्हारी कसम। वैसे आमतौर पर इस ट्रेजेडी पर आंसू बहे जाते हैं कि माशूका को आखिरकार मां बनना पड़ जाता है, लेकिन तुम तो मां बनकर कुछ और ज्यादा लवेबल, क्या कहते हैं, हाँ, काबिले इश्क हो चली हो। अब शायर की दुम बनने की कोशिश छोड़ो और जाकर कपड़े बदलो। मैं शायर की दुम नहीं, कबूतरी की, आई मीन पोएटिस का पुछल्ला बनना चाह रहा हूँ। तुम तो इस पोएटिस के सिरमौर हो जाए। तुम्हारा मतलब ये जादू सर पर चढ़ गया और बोलने लगा बहुत ज्यादा? मैं तुम्हारा सिरमौर नहीं होना चाहता मंगला, आई डोंट वॉन्ट टू बी योर सिरमौर। तो क्या होना चाहते हो? तमाम आइडियाज आ रहे हैं जहन में, मिसाल के लिए तुम्हारे गले का हार, तुम्हारी कमर की तगड़ी। इस रफ्तार से तो तुम पोएट होके रहोगे। तो इसी बात पर हो जाए डुएट। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी। अरे पेड़ तो है नहीं, चलो पालने के चारों ओर ही चक्कर लगा लेंगे। चांद चांदनी वाले चक्कर रात को, सूरज निकले 2 घंटे हो चुके हैं। अजी तो हम कोई सूरज की जी हुजूरी में है कि वो कहे दिन तो हम कहे दिन, वो कहे रात तो हम कहे रात। हमारे दिन रात तो हम ही तय करेंगे। तुम तो बस ऐसे ही हो, मगर स्वीट हार्ट वैसे हो भी कैसे सकते हैं? कैसे? जैसी तुम हो। तुमसे किसने कहा मेरे जैसे होने को? हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति बिल्कुल उसके जैसा हो, दिमागी तौर पर जुड़वा भाई। पति भी तो ऐसा ही चाहते हैं। पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, यही चाहते हैं कि 2 से 1 हो जाए, मगर हो नहीं पाते, दूरी बनी रह जाती है बीच में। वही दूरी तो चुनौती है, उसी दूरी को दूर करने की तड़प का नाम ही तो प्यार है। मुझसे सुनी बात मुझे को सुना रहे हो। तेरा तुझको अर्पण। फालसे के साथ साथ बेल का शरबत भी ले आई हो जय। ओ, अम्मा। अरे जय, आज नाश्ता करने का इरादा नहीं है क्या? बता मैं क्या करूं, ये मंगला कविता पे कविता सुनाई चली जा रही। कविता ब्रेकफास्ट करती हुई सुना लियो, मैं और जय के पापा भी सुन लेंगे। सुना तुम रहे थे, बदनाम मुझे करते हो। कविता तो बड़ी नेक नामी की बात है, चलो डाइनिंग रूम में दोनों मिलकर सुना देना। अभी आए अम्मा? जल्दी आई हो, मैं तो डर गई थी,
कि कहीं तबीयत खराब ना हो गई हो। तबीयत ठीक है अम्मा, चित्त प्रसन्न है, तू मेरी इतनी फिक्र मत किया करे, इस काम के लिए तेरी बहू भतेरी है। बस बस, जय को थोड़ा दलिया और दो। थोड़ा क्यों, ढेर सारा दो। अरे ढेर सारा ले। गुड, इसकी भूख खुलने लगी है। नजर मत लगाओ जी, खूब खा जाए, खूब ताकतवर बन। बस 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 अम्मा, इस तरह तो तू मुझे लाला जी बना देगी। कुछ हो बन, बस बीमार और कमजोर मत बनियो। अब इसकी तबीयत दिन ब दिन संभलती ही जाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर। क्यों जी, डॉक्टर से आपकी फिर कोई बात हुई क्या? नहीं, हरीफ से हुई, उसने वो काम कर दिया है। मैं तो कहती हूँ जी कि प्रिंस की माँ को भी आप कुछ दे दिला दो और उससे कहो कि जय को दिया श्राप वापस ले ले। क्यों गवारों जैसी बातें करती है अम्मा, मुझे किसी का श्राप नहीं लगा है। उन्हें श्राप देना होता तो मुझे देती, मैंने ही उनसे जाने को कहा। सुभद्रा, तुम एक बात समझ लो, वो कभी मेरा या मेरे परिवार का बुरा नहीं चाह सकती, वो तो खुद बीमार चल रही है। आपसे किसने कही? हबीब ने, मैंने उसे उत्तरकाशी भेजा था। क्यों? क्योंकि तुम दिन रात ये शराब वाली बात कह रही थी, जय की ओर से उससे माफी मंगवाना चाह रही थी। वो क्या बोली हबीब भाई से? बोली, मेरा आशीर्वाद है जय 100 साल जी है। श्राप तो ये हुआ, इतना लंबा बुढ़ापा कौन भोगना चाहता है। पापा, मैं दफ्तर से आपको सिलाई मशीन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दूंगा, आप दिन में स्टडी कर लेना, डिनर पे डिस्कस कर लेंगे। कमजोरी की इस हालत में तू रोज रोज दफ्तर जाए क्यों है बेटे? यही मंगवा लिया करे सारे कागजात, तेरे वास्ते आराम करना जरूरी है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, इमली के पत्ते पर प्रेम से व्यायाम किया करो, और तू कहती है दिन में 24 घंटे आराम किया कर। तेरी डॉक्टर से कब बात हुई? 3 दिन पहले। उसने क्या कही? उसने कही मौज कर, मस्ती मार। तुम तो कह रहे थे उसने कुछ टेस्ट भी करवाए। वो कह रहे थे रूटीन टेस्ट है। मरे पता नहीं कब तक टेस्ट किए जाएंगे सुई गुभा गुभा के। जब तक उनका सुई चुभाने का शौक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक। मालूम कुछ कर पाते ना है मरे। अरे कोई बीमारी नहीं निकलती तो इसमें परेशान होने की क्या बात है अम्मा, तू क्या चाहती है वो मुझे जबरदस्ती बीमार बना दे। छी, कैसी बात करता है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है जय, लेकिन कमजोरी तो है ना। क्यों प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट उठाए चले जा रहे हो, या दफ्तर में होते हो या दफ्तर वालों से फोन पर बात करते रहते हो। काम बेशक करो मगर इतना ज्यादा क्यों? इसलिए कि नेहरू जी ने मुल्क को नया नारा दिया है, आराम हराम है। मगर जय बेटे, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, थोड़ा रिलैक्स किया करो। तुम खुद कह रहे हो कि डॉक्टर ने मौज मस्ती करने को कहा। या तो दिन भर इधर उधर डुलता रहे था या अब घर और दफ्तर के कामों में उलझा रहे हैं, पार्टी वाल्टी सब बंद हो गई है इसकी। तो इसी बात पर आज शाम हो जाए पार्टी। किस बात की? इस बात की कि मेरी वाइफ भी दफ्तर के नाम से उतना ही चिढ़ने लगी है पापा, जितना कि आपकी वाइफ। आपकी वाइफ? अम्मा ना कह सके। मेरी अम्मा है, पापा की तो वाइफ है। क्या खिलाओगे पार्टी में? कुल्फी पार्टी रखो, कुल्फी बहुत पसंद है पापा को। हाँ, वैसे पूरे विलायती हैं, लेकिन आइसक्रीम के मुकाबले में कुल्फी ज्यादा पसंद करे हैं। ठीक है, तो आज शाम कुल्फी खाने चलेंगे हम लोग। पापा को बाहर क्यों ले जाए हैं, यही हम बुला लाइयो कुल्फी वाले को। अच्छा अम्मा, तो मैं चलता हूँ दफ्तर को। जय, नए टेस्ट की रिपोर्ट ले आना। मुझे दिन में फुर्सत नहीं मिलेगी, तुम ले आना प्लीज। मंगला जी आइए। मंगला बेटी आओ, मैंने तो तुम्हें फोन पर सब बता दिया था, फिर यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? फोन पर मुझे आपकी बात बहुत अजीब सी लगी और
फिर आपने फोन ही काट दिया? नहीं तो? मैंने मिलाने की कोशिश की, मगर एंगेज ही आता रहा। यू नो बेटी, डॉक्टर का फोन है, खांस तो आती ही रहती हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये क्या कहा कि रिपोर्ट के बारे में आप किसी को कंसल्ट करेंगे? अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, डॉक्टर तो एक दूसरे को कंसल्ट करते ही हैं। मगर आप ये तो बता सकते हैं कि किस बारे में दूसरे डॉक्टर की राय ले रहे हैं? आपको किस चीज का शक है? अरे शक वक कुछ नहीं है मंगला, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। और हाँ, तुम्हारी कविता देखी किसी रसाले, बहुत अच्छी थी, आशंका या कुछ इसी तरह का नाम था। इस मूरत की समझ में बाकी सारी तो आ गई, सिर्फ यही समझ नहीं पाया कि आशंका का क्या मतलब है। डर, होप, आशा, फियर, आशंका। निडर बनो मंगला। निडर और बहादुर। नर्स, यस सर, सेंड द नेक्स्ट पेशेंट इन। मैं मंगला बोल रही हूँ, सरा जेबी साहब से बात कराइए। कहाँ गए हैं? साइट पर। अच्छा, वहां से लौटे तो उन्हें कहना घर फोन कर ले, वहां से सीधे घर लौटने वाले हैं। अच्छा जी। क्यों रे मंगला, कब आई डॉक्टर के से? मुझे तो पता ही ना चली। और ये तू रो क्यों रही है? क्या कही डॉक्टर ने? मैंने पूछा मगर वो टाल गए। जी छोटा ना किया करे मंगला, अगर कोई बात होती तो पहले इन्हें बताते, मुझे बताते। कह तो वो भी रहे थे कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं हबीब भाई से कहती हूँ, वो समझ के आएंगे सारी बात। जरा फोन मिला उनको। और सुनाओ भाईजान, आज कैसे तकलीफ की? बल्कि मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे तो ये पूछना चाहिए कि तकलीफ कहाँ है। भाई तुम डॉक्टर हो, मैं वकील हूं, और खुदा करे हमें एक दूसरे की जरूरत कभी ना पड़े। वैसे मेरे आने का सबब यह था कि तुमने मंगला बेटी को जय की रिपोर्टों के बारे में कोई माकूल सा जवाब नहीं दिया था। वो वृषभान, सुभद्रा भाभी सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। दरअसल भाईजान, मेरी समझ में नहीं आया कि उस बच्ची से क्या कहूं। क्यों? खैरियत? लीजिए, आप खुद देख लीजिए ये रिपोर्ट, मेरी लाचारी आपकी समझ में आ जाएगी। तो अच्छा ही किया, लेकिन एक दिन तो किसी ना किसी को बताना ही पड़ेगा। आप मुझे राय दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो ये बात तुम अपने ही तक रखो। आज मैं जाकर कह दूंगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे एहतियातन एक बार और टेस्ट लेके देख लेते हैं। तुम आ गए, मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया। मैं साइट पर था गया, तुमने याद था क्यों किया? मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसकी बोलती हो गई बंद। ये मजाक की बात नहीं है,
तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कितनी घबराहट हुई डॉक्टर साहब से यह सुनकर कि तुम्हारे रिपोर्ट के बारे में वो एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। अच्छा तो ये कहा? अम्मा ने हबीब भाई को भेजा उनके पास। तो उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन दोबारा टेस्ट करेंगे। जब घबराने की कोई बात नहीं है तो घबरा क्यों रही हो? और कुल्फी वाले को बुलाया? इस परेशानी में किसे होश था, मैं तो भूल ही गई। कैसे भूल गई? किसी भी परेशानी को यह हक मत दो कि वो चार दिन की जिंदगानी की चांदनी में कटौती करे। बात में तुक बहुत है मेरी, बाकी कविता तुम बनाती रहना। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं कुल्फी वाले को बुलाने का इंतजाम करता हूँ। तुम कुल्फी पार्टी जरूर करना जय, लेकिन इससे पहले मेरे साथ मंदिर चलो। हाथ जोड़कर यही कहने कि भली करी ओ भगवान, जरूर चलूंगा, मगर कहा है के सरा सरा, व्हाटएवर विल बी विल बी, द फ्यूचर इज नॉट आवर्स टू सी, के सरा सरा। अजी मैंने कहा कबूतरी जी, पोएटेस, इसका ट्रांसलेशन करो। के सरा सरा, जो होगा वो तो होगा, होनी को किसने देखा, के सरा सरा। वंडरफुल मैडम, सुबह गुड मॉर्निंग का ट्रांसलेशन तो किया नहीं, अब गुड इवनिंग का तो कर दो। पहले मंदिर, फिर पार्टी, फिर ट्रांसलेशन। एक कुल्फी हबीब को और दो। अरे नहीं साहब, अब पेट जवाब दे रहा है। वकील को तो जवाब देना ही पड़े। खैर मनाओ हबीब कि मैं सारा मटका अपने पास नहीं रख ले रहा हूँ। पहले ब्रिजबान का ये था भाभी कि कोई भी बढ़िया चीज हो सारी की सारी अपने पास रख लेता और दूसरों को तब देता जब वो खुशामद करते। बचपन में हमारे जय की भी यही आदत थी, कहा करे था कि अम्मा ने कही है सब तेरा है, जैसा बाप वैसा बेटा। जी हाँ, हर मामले में। ब्रिजबान, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इंडस्ट्री के फील्ड में तुम बेजोड़ हो और तुम वकालत की फील्ड में। शुक्रिया, लेकिन माफ करना दोस्त, अब इंडस्ट्री के फील्ड में ये जय तुम्हें बहुत तेजी से पीछे छोड़ता जा रहा है। ये तो हमेशा से होती आई है कि गुरु गुड़ और चेला चीनी। अगर मैं कुछ आगे बढ़ाऊं तो पापा की उंगली पकड़ कर ही। ये बेकार की मॉडेस्टी है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय सन। मैंने तब काम किया था जब इस गुलाम देश में नेशनल एंटरप्राइज का बीज बोया जा रहा था और अब एक आजाद देश में राष्ट्रीय उद्यम के फलने फूलने के दिन आए हैं। द स्काई इज द लिमिट फॉर यू। दूसरे प्लान में सुना इंडस्ट्री को खास अहमियत दी जाएगी, भारत एक इंडस्ट्रियल जायंट बनेगा। काश वो दिन देखने के लिए मैं जिंदा रहूं। जय तो खैर उसे देखेगा ही। बेशक। दोबारा टेस्ट कराने के लिए जय को कब जाना होगा हबीब भाई? अम्मा, मैंने पहले ही कह दी थी कि पार्टी में बीमारी की कोई बात नहीं होगी। मुझसे गलती हो गई, अब पार्टी में वो ही होगा जो तू चाहेगा। बोल क्या करें? गाना गा अम्मा। सुनो मरी की बात, मैं कोई गाने वाली हूँ? गाना तो सभी गा लेते। छोटी मोटी सुइया जाली को मेरो काढ़नो, छोटी मोटी सुइया। गाना अम्मा सुना दो। पेशे खिदमत है सुभद्रा जी की सुरीली आवाज में एक लोक की छोटी मोटी सुइया। मेरे से ना हो सके। अरे बच्चे का दिल रख लो ना सुभद्रा भाभी। गाओ ना अम्मा। अम्मा प्लीज, नो नखरेबाजी। छोटी मोटी सुइया जाली को मेरो काढ़नो, छोटी मोटी सुइया जाली को मेरो काढ़नो, छोटी मोटी सुइया। थैंक यू मिस्टर जो।
जय, दर्द तो नहीं हुआ ना सुई चुभाने में? मैं बच्चा नहीं डॉक्टर साहब, हालांकि आप ऐसे ही माने बैठे। तो इस टेस्ट के बाद और टेस्ट कराने कब आऊं? नहीं, और टेस्ट कराने की शायद ही जरूरत पड़े। इतने सारे टेस्ट कराने की भी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे एक अरसे से कमजोरी है, हल्का बुखार है, खांसी बलगम कतई नहीं है जिससे इसे तपेदिक समझा जा सके। तपेदिक तुम्हें किसने बताया? तो फिर ये क्या बीमारी है जिसका नाम आप अपनी जबान तक पर लाना नहीं चाहते? मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। मुझे चलाने की कोशिश मत कीजिए हबीब चाचा, के लिए तो आप किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। उनके चेहरे पर साफ लिखा हुआ है कि आपने उन्हें कुछ बताया है। मुझे नहीं बताएंगे, मैं मरीज हूं, ये मर्ज मेरा जाती मामला है। मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? पापा को जो खुद बीमार है, अम्मा को जो सुनकर रोती रहेंगी और अपने साथ साथ मुझे भी डिप्रेस करेंगी। बर्दाश्त करने की ताकत सिर्फ मुझ में है, सिर्फ मुझ में। जय, जाने की जिद मत करो बेटा। आप छिपाने की जिद मत कीजिए, मुझे जो भी बीमारी है मैं उसका बहादुरी से सामना करना चाहता हूं। जितने दिन भी जीना है जिंदा दिली के साथ जीना चाहता हूं। बताइए ना प्लीज। जय, तुम्हें लुकीमिया है, खून का कैंसर। I'm sorry, Jay. Thanks for telling me, Doctor. मत बताइएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस। ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है। ब्लड में क्या है? खून साफ ना है अम्मा। खून सफा करने के लिए तो चिरायता अच्छा बतावे। हाँ, डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे, चिरायता, करेला, नीम, जितनी कड़वी चीजें हैं सभी खिलाते मुझे।